हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ कलमबाग रोड में है मदन जी टी स्टॉल और यहाँ का चाय ट्राई करने। इससे पहले आप चाय का वीडियो देखे होंगे, चाय सुट्टा बार वाला और एमबीए चाय वाला, वहाँ पर हम जाकर वीडियो बनाए हैं। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि मदन जी चाय वाला बहुत फेमस है दुकान, तो हम आ गए यहाँ पर वीडियो बनाने। पूछेंगे मदन जी से इस चाय के दुकान के बारे में। अब आइए मदन जी से पूछते हैं इस चाय के दुकान के बारे में। यही है मदन जी जो कि चाय सर्व कर रहे हैं। और ये हमारे विवेक भैया है, इनसे जानेंगे चाय का टेस्ट कैसा लगा। तो मदन जी, आपका नाम तो बहुत फेमस है पूरे मुजफ्फरपुर में, आप एकदम फेमस है। आपका घर कहाँ हुआ? घर मेरा पड़ा छपरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, छपरा डिस्ट्रिक्ट में घर है, मसरख प्रखंड। अच्छा, मुजफ्फरपुर में कब से है? मुजफ्फरपुर में हाँ 2003। अच्छा, और चाय का ये स्टॉल कब से खोला है? बस उसी समय। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शशि कुमार। इस शॉप का टाइमिंग बता सकते हैं कि कब खुलता है कब बंद होता है? सुबह में 5 बजे स्टार्टिंग होता है और रात को 10:30 बजे तक। सुबह में 5 बजे से रात में 10:30 बजे तक। तो आप कभी भी आइए, अब आप हमको चाय पिलाइए, आपका चाय टेस्ट करते हैं। चाय के अलावा भी कुछ रखे हैं? नहीं, सिर्फ चाय और बिस्किट। बिस्किट भी है? अच्छा, तो अभी तो हम बस चाय ही पियेंगे। अब चाय पीते हैं, चाय का आपको टेस्ट बताएंगे कि कैसा लगा। थैंक यू। अब चाय का टेस्ट आपको बताया जाए। हमारे मित्रगण यहाँ पर चाय पी रहे हैं। अरे रुको रुको, पहले चाय पीने दो, पहले पी लो। ये बस छोटा सा स्टूल पाने का है लेकिन बहुत फेमस है। अरे हम चाय सुट्टा बार और एमबीए चाय वाला में गए थे तो बहुत लोग सजेस्ट किया है कि यहाँ पर आइए। ये दो जैसा कि उन्होंने बताया है, लेकिन चाय पीने के लिए सिर्फ यहाँ आते हैं हम लोग, इतना फेमस चाय है। इन्होंने बताया है कि 2002 से ये चाय बेच रहे हैं, कम से कम 20-21 साल हो गया। चाय तो वाकई बहुत टेस्टी है। और कुछ लोग यहाँ पे हैं, पूरा देखिए मेला लगा हुआ है मदन जी के पास। ये होता है 5 रुपए की रात, ना ना 10 रुपया 8 रुपया, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा मेला लगता है इस वक्त। तो आप सुबह में 5 बजे से शाम में 10 बजे तक, 10:30 तक आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर चाय का आनंद लेने। तो आइए अब यहाँ के कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनको चाय कैसा लगा। अंकल, आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार। संतोष जी, कितना दिन से आ रहे हैं? 15-20 साल से आ रहे हैं यहाँ। 20 साल से आ रहे हैं और 21 साल पहले इनका उद्घाटन ही हुआ है। चाय कैसा लगा आपको? चाय बहुत बढ़िया लगा। टेस्ट भी बढ़िया है। टेस्ट भी बढ़िया है। और चाय दीजिए। टेस्ट भी बढ़िया लीजिए। अच्छा, ये हमको दोबारा दे दिया उन्होंने, एक बार हम पी चुके हैं चाय। टेस्ट भी बढ़िया है। और कलमबाग चौक पर हम मदन जी के यहाँ 20 साल से हम आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, आपने अपना रिव्यू दिया। मदन जी ने एक और चाय दे दिया, एक हमने पिया ही है, अब इसको भी खत्म किया जाए पहले, उसके बाद और कंटिन्यू किया जाएगा। आपको दिख रहा है पूरा क्राउड, शाम में यहाँ पे मेला लगता ही है और आज वीकेंड भी है, तो आज सैटरडे संडे को और भी मजा आता है। मदन जी, आपका तो बन गया। आप जरूर आइएगा यहाँ पे, एक बार चाय टेस्ट करने जरूर आइएगा। अब और भी लोगों से रिव्यू लिया जाए, हम चाय ही पीते रह जाएंगे रिव्यू लेने का टाइम है तो। चलिए और भी कुछ लोगों से रिव्यू लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सैयद अल्ताफ हेचिन। और आपका? तबरेज। चाय कैसा लगा आप लोग को? चाय काफी मस्त है, पी के देखिए एक बार मजा आ जाता है। कब से आ रहे हैं यहाँ पर चाय पीने? हम तो वह समझे तो
चार पाँच साल से पी रहे चाय। अच्छा, 20 साल से ये दुकान खुला हुआ है? उन्होंने बताया 2002 से खुला हुआ है। बताइए, चार पाँच साल से तो हम लोग रेगुलर यहाँ पे जब भी आते हैं तो पीते हैं चाय। जी जी, चाय पीने में काफी मजा आता है भाई। हम तो 8-10 कप डेली पी लेते हैं हम लोग आके। एकदम मस्त, काफी भीड़ बहुत रहता है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू भैया। नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। वीरेंद्र जी, आपको चाय कैसा लगा? चाय बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है, लेके छाता चौक तक कहीं मूव कीजिए, मालूम जी का जो चाय है ब्रांडेड चाय, इसमें नाम ही ब्रांड है। हाँ, नाम ब्रांड तो होंगे, बहुत लोग हमको सजेस्ट भी किया है यहाँ आने के लिए। सभी सामने महफिल सजता है लोगों का, अभी जितने जाएंगे तो यहाँ पे आते हैं आप देख सकते हैं आस पास में। जी ठीक है, यहाँ पे बढ़िया चाय। और आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? 7-8 साल से मुजफ्फरपुर में यहीं पे आते हैं। अच्छा, यहीं पे आते हैं। और सर आपको कैसा लगा चाय? चाय तो बहुत ही अच्छा है, मदन जी का काफी लंबे समय से चाय हम यहाँ पीते रहे हैं। शाम में जो चाय पर जो यहाँ चर्चा होती है वह देश दुनिया से लेके सभी वर्तमान से लेके छोटे घटना सभी पर लोग अपना विचार रखते हैं और यहाँ से विचार छन के भी दूर दूर तक जाता है। ये नॉलेज कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे मिलेगा, चूँकि चाय के दुकान पे चाय के चुस्की के साथ और काफी जो चर्चा करता है उत्तम दर्जे का चर्चा होता है लोगों का। ये लंगट सिंह कॉलेज के ना पास है? हाँ, लंगट महाविद्यालय जो है उसके बगल में और बिहार विश्वविद्यालय के कैंपस से ही जुड़ा हुआ ये जगह है। वैसे सिंचाई विभाग जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पर कार्यालय है, लेकिन ये इसको कैंपस के अंदर ही आप मान सकते हैं क्योंकि उसके बाउंड्री से लगा हुआ है। और सभी जो पीजी पीएचडी के जो छात्र है जी, जो यहाँ शिक्षा के उच्च पदान पर हायर एजुकेशन के जो लोग है, जो अपना एक सोच रखते हैं, अपना एक विचार रखते हैं, वो लोग यहाँ चाय पीते हैं शाम में और सभी प्रकार की चर्चाएं करते हैं और बेहतर एक विचार छन के एक दूसरे को समझने बुझने का मौका मिलता है, मिलने का भी जंक्शन पॉइंट है लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना डिटेल में यहाँ के जगह से आपने हमको अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन लोग सभी जानते हैं इन लोग को चाय कैसा लगा, तो सर आपका क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास जी, आपको चाय कैसा लगा? चाय यहाँ का तो बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, और काफी दिन से हम लोग यहाँ आते हैं शाम के। जी जी, और मेरे भाई साहब से भी पूछ लीजिए। हाँ, भाई साहब मतलब विकास जी के भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? रत्नेश कुमार जी। रत्नेश कुमार। रत्नेश जी, आपको कैसा लगा चाय? चाय बहुत ही अच्छा है। हाँ, चीनी कम थी कि चीनी अधिक थी? चीनी कम थी। अच्छा, चीनी कम थी, कम ही पीते हैं? अच्छा, कम ही पीना चाहिए। हाँ, कम ही पीना चाहिए। वाह, क्या बात है। जैसा कि सर ने बताया यह विश्वविद्यालय के पास है, एलएस कॉलेज में जो गांधी पार्क है वहाँ का भी वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है और हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।